शो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसको तुरंत फॉरगेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, 2-3 तरीके 4 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप आसानी से फॉरगेट कर सकते हैं, और फॉरगेट कैसे करना वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आपको फ़ोन की सेटिंग दिख जाएगी या फिर आपके फ़ोन में यहाँ पे कोई सेटिंग करके देख सकते हैं, एप्लीकेशन होगा, इसको ओपन करना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा गूगल का, यहाँ पे देख सकते हैं गूगल करके एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो इस गूगल वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो अकाउंट लॉगिन है यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका उसी नंबर पे आपको क्या करना है, उसी अकाउंट का अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको ऑटो फिल करके जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और अगर आपका दूसरा अकाउंट है तो यहाँ से स्विच कर लेंगे, यहाँ पर आपको स्विच करने का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से स्विच कर लेंगे आपका कौन सा अकाउंट है। फिलहाल यहाँ पर मैं इसका आपको पासवर्ड दिखाता हूँ, यहाँ पर ऑटो फिल पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑटो फिल विद गूगल, फ़ोन नंबर शेयरिंग, SMS वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिल विद गूगल। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन गूगल पासवर्ड मैनेजर, यहाँ पे आपको गूगल पासवर्ड मैनेजर शो हो रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जितने भी पासवर्ड है, जो भी सेव किए हुए पासवर्ड है, सब शो होने लगे। यहाँ पे देख सकते हैं अमेजन का दिखने लगा, फेसबुक का, फ्लिपकार्ट का, गूगल का, इंस्टाग्राम का, सारे पासवर्ड यहाँ पे शो होने लगे, ठीक है। तो अगर आपने अपने गूगल का पासवर्ड सेव करके रखा है ईमेल आईडी का तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। मैं गूगल के पासवर्ड पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं अपना यहाँ पर फ़ोन का जो लॉक है वो इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी शो हो रही है और ये हमारा पासवर्ड शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला स्टेप है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपके ईमेल का पासवर्ड क्या। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको यहाँ पर अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डॉट दिख जाएंगे, ठीक है। ये मेनू बार है, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, एकदम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड मैनेजर करके जो है ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सारे पासवर्ड यहाँ पे शो होने लगे, जितने भी पासवर्ड हैं, जितने भी पासवर्ड मैंने सेव करके रखे हैं सारे पासवर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी का पासवर्ड जानने के लिए यहाँ पर google.com पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका फेस लॉक या स्क्रीन लॉक मांगेगा, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड शो होने लगेगा। तीसरे स्टेप में आप क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना है। यहाँ पे ईमेल जीमेल ऐप जो है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जहाँ पे लॉगिन है आपका अकाउंट यहाँ पे शो होगा, तो ये राइट टॉप कॉर्नर में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा दूसरा अकाउंट है, मैं इसको क्लिक करके स्विच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और स्विच कर लिया। स्विच करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, फिर से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज अकाउंट का, ठीक है। मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी वाले पोर्शन में आना है। सिक्योरिटी वाले पोर्शन में आने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ मैंने एकदम नीचे जब स्क्रॉल किया तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल गया पासवर्ड मैनेजर का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग फिर से देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे पासवर्ड यहाँ पे शो होने लगे, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको 3 स्टेप बताए जिससे आप अपने पासवर्ड को चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं। गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग में आना है, इस पासवर्ड मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सारे पासवर्ड यहां आपके शो होने लगे। यहां पे आपको google.com करके ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपने फ़ोन का पिन एंटर करना है और आपका पासवर्ड यहां पे शो होने लगेगा। यहां पे देख सकते हैं मेरा ईमेल आईडी, मेरा पासवर्ड यहां पे शो होने लगा। अगर आपने कहीं पर भी पासवर्ड सेव करके नहीं रखा है तो आपका जो लास्ट ऑप्शन है उसके लिए आपको क्या करना है, अपना फिर से जीमेल अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर जीमेल ऐप ओपन करना है, ठीक है। और इसके बाद इस जहाँ पे आप लॉगिन हैं अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको
अगर ईमेल आईडी लॉगिन है, अगर आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है जिसका आप लोग पासवर्ड पता करना चाहते हैं, ईमेल आईडी लॉगिन है तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं लॉगिन है तो ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करके आपको उस ईमेल आईडी को इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, गूगल पे आएंगे, मैं दोनों तरीके बता दूंगा कि अगर आपकी ईमेल आईडी लॉगिन है तो क्या करेंगे, और दूसरे केस में अगर आपकी ईमेल आईडी फ़ोन में नहीं लॉगिन है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपको आपकी ईमेल आईडी नहीं लॉगिन है तो सबसे पहले कैसे पासवर्ड हम रीसेट करेंगे। तो यहाँ पे अपना फ़ोन का पासवर्ड इंटर करना है, इंटर करने के बाद यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे जो ईमेल आईडी पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर कर लिया, अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज में आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अगर आपकी ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन है तो आप उसके पासवर्ड कैसे पता करेंगे, कैसे रीसेट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है, अपने इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है जीमेल ऐप में। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज योर अकाउंट करके ऑप्शन इस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड का, तो आपको इस पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक ट्राई अनदर वे, एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो हमको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्यों क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ यूज योर फिंगरप्रिंट फेस और स्क्रीन लॉक। तो आप इसकी मदद से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आप ही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन यूज अ पास की टू वेरीफाई दैट्स रियली यू, योर डिवाइस में आस्क यू टू स्कैन अ QR कोड बिफोर यूजिंग योर स्क्रीन लॉक, ठीक है। तो हमको स्क्रीन लॉक से ही वेरीफाई कर देना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोन का पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पेज ओपन हो गया। यहाँ से आपसे पूछ रहा है आपका न्यू पासवर्ड क्या होने वाला है, तो आपको अपना न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड पे क्लिक करना है, दोनों इंटर कर देना। सॉरी, तो मैं यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड और न्यू पासवर्ड दोनों इंटर कर लिया, सॉरी न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों इंटर कर लिया। और पासवर्ड का फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके पासवर्ड का फॉर्मेट होना चाहिए। आप सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं इंटर कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको बता रहा है विल स्टे साइन इन ऑन दिस डिवाइस आफ्टर चेंजिंग योर पासवर्ड। कहने का मतलब ये है कि आप उन सभी डिवाइस में लॉगिन रहेंगे जिसमें आप लॉगिन हैं चेंज पासवर्ड, पासवर्ड चेंज करने के बाद। तो यहाँ चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि सभी डिवाइस से आप लॉगआउट हो जाएं तो इस लिंक पे क्लिक करके आपको लॉगआउट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे हम क्लिक करेंगे। चेंज पासवर्ड पे जैसे क्लिक किया देख सकते हैं योर पासवर्ड वाज चेंज यहाँ पे लिख करके आ गया, मेरा पासवर्ड अब चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हमको जो नया पासवर्ड मिला है वही हमारा नया पासवर्ड, अब हम किसी भी डिवाइस में कहीं पे भी अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।